सबसे पहले बात मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश में नकली खाद बीज की टास्क फोर्स में संघ भाजपा किसान मोर्चा और कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। इनकी सूचनाओं के आधार पर छापामार कार्रवाई की जाएगी, इसका खुलासा कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया। कमल पटेल का कहना है कि मध्य प्रदेश में नकली खाद बीज उर्वरक बिक रहा है, इस कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए खुफिया तंत्र तैयार किया गया है। इसमें भारतीय किसान संघ, भाजपा कार्यकर्ता और किसान मोर्चे के सदस्य हैं। इनकी सूचनाओं के आधार पर रेड मारी जाएगी और मारी भी जा रही है। इस टास्क फोर्स की सूचना पर इंदौर सहित कई जगह कार्रवाई की गई। इस खुफिया तंत्र की अफसरों को भी जानकारी नहीं है। हमने खुफिया तंत्र तैयार किया है, किसानों का, किसान मित्रों जो भी हो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि आपके आसपास कहीं भी नकली चीजें हो रही है, नकली दवाई, नकली खाद, नकली बीज, उसकी हमको जानकारी दें, हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए मैंने वरिष्ठ अधिकारी से लेकर नीचे तक सचेत किया है गड़बड़ नहीं होना, और इसके लिए एक टीम बना रहे हैं, टास्क फोर्स, जो जहां भी शिकायत मिली तत्काल जाएगी। और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम टास्क फोर्स भी बनाएंगे, नकली खाद भी दवाई के खिलाफ जहां शिकायत मिलेगी उनको छापा मारेंगे, सैंपलिंग करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश में असली बीज, असली खाद, असली मानक दवाइयां मिले, ताकि किसान की आय बढ़े, राष्ट्र का कृषि उत्पादन बढ़े, प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा हो, मुख्यमंत्री जी का संकल्प पूरा हो।